So, दोस्तों आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं आज योद्धा के ऊपर ऐसे कैसे खड़ा हुआ हूं और ये जगह कौन सी है। So, दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम करते हैं बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग, मैं इस वक्त आया हूं राजस्थान में एक ऐसी जगह पे जहां चारों तरफ ड्यून्स और बहुत सारा ऐसा बेल्ट जहां पे मिलेंगे हमको बहुत ही ग्रेवल और ऐसा पार्ट जो कि एक नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं जाता। हमारे पास में है टाटा योद्धा जिसको हम उन सारे के सारे टेरेन्स पे टेस्ट करेंगे, उस लेवल का टॉर्चर करेंगे कि एक नॉर्मल व्हीकल तो झेल भी ना पाए, और उसके बाद में आपको बताएंगे इस व्हीकल की जो बिल्ड क्वालिटी उसके बारे में कंक्लूजन। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर अगर आप लोग भी ऐसा कोई एडवेंचर करना चाहते हो या एडवेंचर देखना चाहते हो तो प्लीज आप नीचे की तरफ हमें कमेंट करिएगा, वी विल ट्राई कि हम उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सपीरियंस बनाएं, और ऐसा कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं टाटा योद्धा का एडवेंचरस जर्नी। साथ के अंदर आप लोगों को बता दें कि इस व्हीकल की स्पेसिफिकेशन क्या है। सो हमारे साथ में है इस वक्त टाटा योद्धा 2.0 जिसके अंदर मिलता है आपको 250 Nm टॉर्क और 100 हॉर्स पावर वाला इंजन। तो आइए इस 4x2 को टेस्ट करते हैं इन सारे ड्यून्स में। दोस्तों जैसे ही आप अंदर की तरफ टाटा योद्धा में बैठते हो वैसे आप ये नोटिस करोगे कि आपके पास ना पिकअप ट्रक जैसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई कार चला रहे हो। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर और बहुत ही अमेजिंग एक्सटीरियर के साथ ही आपको मिलता है एक दमदार इंजन 2.2 लीटर का। सो हियर वी गो। एडवेंचर करने के बाद में भी आपकी गाड़ी वैसी की वैसी स्टेबल रहती है क्योंकि टाटा योद्धा के अंदर आता है एंटी रोल बार और उसके साथ पावर स्टीयरिंग। साथ ही के अंदर जो बिल्ट क्वालिटी और डिफरेंशियल जो है उसकी इतनी ज्यादा अच्छी है कि इस पूरे के पूरे स्टंट और टॉर्चर को करने के बाद में भी हमारी गाड़ी उतनी की उतनी रिलायबल और उतनी की उतनी सेफ रहती है। सो अब ये तो हम कर चुके हैं और अब हम चलते हैं सीधे के सीधे पत्थरों की तरफ जहां पर इस गाड़ी के एक्शन को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो हियर वी गो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पत्थरों वाले रास्ते हैं इसके अंदर भी गाड़ी कितनी आराम से निकल रही है, और ऑल्दो कॉमर्शियल व्हीकल से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते मगर फिर भी आप देख सकते हो कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस व्हीकल को आराम से लेकर जा सकते हो हैंड ब्रेक को लेकर नीचे। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त गाड़ी जो है वो मैंने पैर पूरे के पूरे ऊपर करके और छोड़ रखे हैं मगर फिर भी आप देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप गाड़ी का जो मिनिमम RPM है उस मिनिमम RPM के ऊपर चलती हुई गाड़ी ने हर जितने भी टफ टेरेन्स हैं वो नॉर्मली क्रॉस कर लिए। उसके अंदर हल्का सा भी मुझे एक्सेलरेट करना नहीं पड़ा। सो इतना टॉर्क होना चाहिए गाड़ी के अंदर जिसकी वजह से आपकी गाड़ी नॉर्मली हर जगह से निकल जाए। सो दोस्तों आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं जो मेरी गाड़ी ये पर्सनल है उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन शॉकर लगे हुए हैं, रीमैप्ड है, मगर फिर भी मुझे आज ही योद्धा चला के जो मज़ा आ रहा है ना टेरेन के ऊपर जिसमें इसके अंदर थोड़े हार्ड सस्पेंशन है मगर क्योंकि हार्ड सस्पेंशन आर मोर रिलायबल उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, मेंटेनेंस से रिलेटेड आपकी चिंता ही नहीं होती। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मुझे योद्धा की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो स्टेयरिंग है इसका ना बहुत ही अच्छा आपको फीडबैक मिल रहा होता है, आपको उसमें परेशानी नहीं होती क्योंकि कार जैसा अच्छा इंटीरियर है तो इसीलिए जो ड्राइव प्लेजर है उसमें भी कमी नहीं है। और तो इस वक्त हम ऐसे पैच पे चल रहे हैं जहाँ एक नॉर्मल इंसान नहीं चलना प्रेफर करता, बिल्कुल जंगल, प्योर जंगल जो होता है उसके अंदर हम इस गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं।
और एक्चुअली हुआ क्या, टाटा ने हमको कहा था कि ऑफ रोडिंग तो आप लोगों ने बहुत कर ली, अब थोड़ा सा रियल ऑफ रोडिंग टेस्ट करके दिखाओ हमारी गाड़ी से। और देखो गाइस, एक अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ी लंबी तो बहुत है, मगर फिर भी ये जितने भी आपके रास्ते हैं, इन रास्तों से गाड़ी आराम से बिना किसी प्रॉब्लम बाहर निकल जाती है, आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होती। और टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, आराम से हमने हमारी गाड़ी रिवर्स करी एंड वी आर गुड टू गो। एक्चुअली हम क्या थोड़ा सा जंगल में रास्ता खो गए थे, मगर बिकॉज युद्ध है तो चिंता किस बात की। मेरा दोस्त गियर जो है, गियर बहुत सॉफ्ट है, क्लच बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फटीक हमें महसूस नहीं हो रहा। और गियर शाफ्टर जो शिफ्टर है वो अच्छा खासा बड़ा शिफ्टर है, जिसकी वजह से जब आप इसे कहते हैं ना ऑन द स्पॉट गियर चेंज करते हो तो भी आपकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। नाइस। तो दोस्तों, आप लोगों ने टाटा योद्धा को सैंड में देखा, रोड पे देखा, लोड के साथ देखा, और उसी के साथ में आपने देखा इसको ऑफ द रोड टेरेन, जहाँ पर हम हमारे बाकी ऑफ रोडिंग व्हीकल्स लेकर आ रहे होते हैं। सेम टाइम आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे पास जो गाड़ी है ये तो 4x2 है, 4x4 तो गाड़ी भी नहीं है। सो 4x2 के अंदर भी अगर हम इतना फन कर सकते हैं तो सोचो 4x4 में क्या मज़ा आएगा। और योद्धा 4x4, 4x2, AC जैसे सारे लग्जरी ऑप्शंस में भी आपको अवेलेबल होती है, जिसके साथ में आप अपनी गाड़ी को हर लेवल पर टेस्ट कर सकते हो। हमने जितना टॉर्चर करा, अगर कोई और गाड़ी होती तो भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ अभी तक टिक भी नहीं पाती, मगर टाटा योद्धा ने जो मज़ा दिलाया ना इस पूरे के पूरे टेरेन पर, उसमें हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी मज़ा आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि और क्या एडवेंचर किया जाए इससे। सो अगर आप हमें बोलोगे तो वील ट्राई कि हम 4x4 को लेकर स्नो में भी चलाएंगे, सबसे लो टेम्परेचर पे भी सुबह जो कोल्ड स्टार्ट वाली फीलिंग है वो सारी की सारी आपको मिलेगी, मगर उसके लिए हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ऐसे एडवेंचरस कॉन्टेंट के लिए बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा। साथ ही के अंदर आपके नियर बाय जो भी टाटा डीलरशिप है, आप वहाँ जाओ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या बिल्ड क्वालिटी है, क्या टफनेस है। और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते जाओ। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, इजाजत दो, बाय बाय।